जी को एक गुड समझा था, सब्जेक्ट समझा था। इसी तरह ये जो इसको कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे सामान बेचते हैं 1 लाख रुपए में लड़की बेच दी या लड़का बेच दिया, ये जो आदमी को सामान की तरह बेचने पर पाबंदी है, इस पर जो है अरेस्ट हो सकती है और आपको ये पंसेबल ऑफेंस है। बेगार का मतलब बिना मर्जी के काम कराना, बिना मर्जी के फ्री काम कराना यानी गुलामी कराना, बिना मर्जी के मुफ्त काम कराना, मुफ्त काम कराना यानी गुलामी कराना, ये आपका ऑफेंस है। ठीक है, तो ये जो बेगार और फोर्स लेबर लगभग लगभग सेम चीजें हैं, इन सबको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, क्योंकि इन सबको ये शोषण मानता है। क्या मानता है? शोषण। यदि खरीदने बेचने को इसी तरह आर्टिकल 20 के लेस देन 14 इयर्स ऑफ एज के बच्चे से काम कराना, यानी जो चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री लेबर, ये सारे लॉ बनाए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर कि किसी भी 14 साल से कम एज वाले से नॉट टू एम्प्लॉय, नॉट टू एम्प्लॉयड, नॉट टू बी एम्प्लॉयड, कोई भी ऐसी चाइल्ड लेबर नहीं, तो ये सब क्या अगर आया कहलाएगा एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगा। ओके, तो इस सबको एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन। नेक्स्ट इज, ये आपने नोट किया? हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं प्रोविजन, अब आपने देखा होगा, पुरानी पिक्चरें देखी होंगी कि उसके अंदर क्या करते थे जमींदार लोग, कुएं से पानी नहीं लेने देते थे कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को। ओके, तो क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट एंड क्रीड, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का, कि आप ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी दुकान में, शॉप में या पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में या एंटरटेनमेंट के प्लेस पे, ठीक है, तो नो डिस्क्रिमिनेशन कि इसके बेसिस पे कि यही आदमी हमारी शॉप पर, हमारे होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक एंटरटेनमेंट में कि प्लेसेस पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। इसी की तरह जो स्टेट फंड से बने हुए कोई वेल है, बाथिंग घाट है, नहाने के घाट बने हुए हैं ना आपको जमुना पर, या उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप यहाँ नहा नहीं सकते, यहां से आप पानी नहीं ले सकते, वेल है, टैंक है, रोड है,
road, resort, इन सब पर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि भाई हिंदू ही आएगा या मुस्लिम ही आएगा या ऊंची जात का आएगा या जो इसी स्टेट का जन्मा हो ये आएगा, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ओके, ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है। हालांकि बट स्टेट चाहे, बट स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉ फॉर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए या एससी और एसटी के लिए, स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल लॉज। समझ में आया, स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए या एससी एसटी के लिए स्पेशल लॉज बना सकती है। क्लियर? अब ये जो जितने भी लॉ हमने बताए और जितने भी आपको राइट बताए, ये राइट एंसर कैसे करेंगे? यदि इस राइट को, अब भाई राइट को तो हमने बना दिए, लेकिन राइट के अगेंस्ट यदि हमको कोई, यदि हमारे राइट को इन्फर करे, तो इन्फर करने पर या राइट में इंटरफियरेंस करे या राइट डेनाई करे, गवर्नमेंट डेनाई करे, तो ये सिटीजंस को क्या राइट है, इसी के लिए भी आर्टिकल 22 बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिनको हम रिट ज्यूडिक्शन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरा ध्यान से अपने दिमो दिमाग जहन में उतार लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है कि यदि किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वैलिड वायलेट होता है, तो वो डायरेक्ट बिना किसी उसके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या करती है कि फंडामेंटल राइट के लिए डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हैं। कोई भी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेज कर सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर, में पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को यदि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, क्लियर, क्योंकि ये इस प्रिंसिपल पे आधारित है जिसको कहते हैं यूवी रेमेडियम ubi jus ibi remedium, लैटिन वर्ड है ubi jus ibi remedium, कि जहां भी राइट है, राइट जहां भी होगा तो राइट के साथ में रेमेडी होगी। जहां भी राइट होगा वहां रेमेडी, जहां राइट वहां रेमेडी। ठीक है, जहां राइट, जहां उबी का मतलब जहां, राइट इवी वहां रेमेडी, जहां राइट वहां रेमेडी, जहां राइट वहां रेमेडी। ठीक है, क्योंकि बिना रेमेडी के, बिना रेमेडी के,
बिना रेमेडी या विदाउट रेमेडी राइट यूजलेस. यदि रेमेडी नहीं है तो उसका राइट यूजलेस. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बिना रेमेडी के यूजलेस है. तो इसके लिए पांच राइट दिए हुए हैं, पांच रिट है जिसको हम कहते हैं राइट. हैवीज कॉर्पस, हैवीज कॉर्पस पांच राइट हैं, ठीक है. हैवीज कॉर्पस, मंडामूस, ये कहते हैं रिट ऑफ हैवीज कॉर्पस, मंडामूस, सर्टियोरी, सर्टियोरी, हैवीज कॉर्पस, मंडामूस, सर्टियोरी, प्रोविशन एंड कोवारंट. प्रोविशन एंड कोवारंटो, हैवीज कॉर्पस, मंडामूस, सर्टियोरी, प्रोविशन, कोवारंटो, ये सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के अंदर. पर्सन शुड हैव राइट, ही शुड हैव राइट ऑफ हैवीज कॉर्पस, मंडामूस, सर्टियोरी, प्रोविशन एंड कोवारंटो, ठीक है. तो कोई भी यदि वायलेशन का राइट हो तो यू कैन फाइट रिट ऑफ हैवी कॉर्पस, रिट ऑफ मंडामूस, रिट ऑफ सर्टियोरी, रिट ऑफ प्रोविशन एंड रिट ऑफ कोवारंटो टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो ये पांच आपकी क्या कहते हैं रिट हैं. तो ये रिट हम आपको बताएंगे एक एक करके. उससे पहले हम बताते हैं आपको, पहले आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बता दें. नहीं सर, पहले हमको यही बता दीजिए. ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट आपको रिट बता देते हैं. तो रिट ऑफ हैवीज कॉर्पस क्या है, किसी को बंद कर लिया है, कैद कर लिया है, डिटेन कर लिया है. तो यदि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट ऑफ फ्रीडम. तो यदि किसी को सरकार ने, पुलिस ने किसी को अनलॉफुल कन्फाइन किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, तो हैवीज कॉर्पस का मतलब है, कॉर्पस का मतलब है बॉडी. हैवीज का मतलब है हैव, कॉर्पस का मतलब बॉडी. इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी को यदि डिटेन किया गया है तो राइट है कि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करो. वो कहां है, कोई आदमी है, हमको लगता है को पुलिस ने अंडरग्राउंड कर रखा है, कोर्ट में कर रखा है, डिटेन कर सकता है, तो हम उसको कह सकते हैं राइट ऑफ हैवीज कॉर्पस के कि उसको प्रोड्यूस करो, ठीक है. यदि किसी को विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन यदि उसको लगता है कि बिना किसी जस्टिफिकेशन के लिए किसी को कैद कर रखा है, डिटेन कर रखा है, तो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. और इसके बाद में कोर्ट पूछेगी क्या जस्टिफिकेशन है, तो कोर्ट जाने सबसे पहले उस आदमी को प्रोड्यूस किया जाएगा और ये रीजन जानने की कोशिश की जाएगी कि उसको क्यों डिटेन किया गया है, ठीक है. ये मंडामूस क्या है, ये जैसे बेटे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, कोई काम. मंडामूस जो काम सरकारी ड्यूटी हो और सरकारी अधिकारी नहीं कर रहा हो,
नहीं कर रहा हो तो उसे करने का आदेश दिया जा सकता है कि भाई करने का आदेश। मैंडामूस का मतलब करने का आदेश कि भाई जो ड्यूटी है ये राइट ऑफ कमांड होती है। ठीक है, ये राइट ऑफ कमांड होती है। जो काम सरकारी अधिकारी नहीं कर रहा हो और उसकी ड्यूटी हो उसे करने का आदेश इस रिट से मिलता है। प्रोविजन, यदि कोई कोर्ट है, छोटी कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको कहते हैं, जो काम उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, ये करने का आदेश, ये रोकने का आदेश। प्रोविजन का मतलब ही रोकने का आदेश। यदि कोई ट्रायल कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऑर्डर पास करना चाहती है जिसकी उसको अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, यानी ये बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन काम कर रही है, उसको रोकना। बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, जहां उसके अधिकार शक्ति से बाहर का काम कर रही है, बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन कोई काम कर रही है उसे रोकने का काम रिट ऑफ प्रोविजन से होता है। ओके, उसके बाद में ये सर्टिनरी है, इसमें तो रोकने का आदेश दिया। सर्टिनरी क्या है कि उसने कर दिया, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई काम कर दिया जो कि बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन था। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था, यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। ऐसा काम कर देते हैं जो ज्यूरिडिक्शन के खिलाफ था या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था, तो ऐसे काम को इग्नोर करने के लिए, तो ये जो सर्टिनरी है ये किसके लिए है? इग्नोर। प्रोविजन है रोकने के लिए, सर्टिनरी है कि ऐसा कोई ऑर्डर जो पास कर दिया बिना ज्यूरिडिक्शन के, बिना नेचुरल जस्टिस के या बिना प्रिस्क्राइब प्रोसेस के या गलत लॉ के। ओके, नेक्स्ट इज को वारंट। कोई आदमी, कोई अफसर किसी सीट पे बैठा है, सीट यानी ऑफिस कोई ऑक्यूपाई कर रहा है बिना अथॉरिटी के, तो उस सीट या ऑफिस को चैलेंज कर सकता है। को वारंट का मतलब आपकी अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी चैलेंज कर सकता है। व्हाट इज योर अथॉरिटी, हाउ यू आर ऑक्यूपाइड योर ऑफिस। तो ये जो पांच है ये वायलेशन के लिए, एक आपकी फ्रीडम रोकी, कहीं डिटेन किया तो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करने का ऑर्डर होता है हैविज कॉर्पस। कोई सरकारी काम आप नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, फ्रीडम वायलेट हो रही है, आपका बिजनेस करने का वायलेट हो रहा है, अब्रॉड जाने का वायलेट हो रहा है, कोई भी काम आपका वायलेट हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वलिटी नहीं मिल रही आपको, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट या आपका डिस्क्रिमिनेशन जिसके लिए सरकारी आदमी को कोई आदेश पास करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप रेट ऑफ मंडामूस फाइल करके उससे वो काम कराने का आदेश दे सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, प्रोविजन के अंदर क्या है, कोई छोटी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो कोई ऐसा काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता फिर भी वो कर रही है, तो ऐसे में रिट ऑफ प्रोविजन फाइल करके उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है कि इस तरह का डिसीजन, इस तरह का कोई केस बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन ना ले। लेकिन अगर ये ऐसी किसी अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल ने वो केस कर दिया जो कि बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन था या अपरेंट इन लॉ के हिसाब से वो गलत था या प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था, ओके, या नेचुरल जस्टिस जिसमें नहीं दिया गया था,
ऐसा कोई ऑर्डर यदि किसी ने पास किया तो इसको इग्नोर करने के लिए ऑर्डर सर्टियोरी ऑर्डर पास किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसे लास्ट है क्वो वारंटो। अगर कोई अफसर या कोई भी सरकारी कोई पोस्ट है और उस ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज अनलॉफुल तरीके से या बियॉन्ड अथॉरिटी, तो क्वो वारंटी में सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, और अगर वो अथॉरिटी प्रूव कर देता है कि मैं सही तरह से हूं तब तो ठीक है, अदरवाइज उसको उन सब काम करने पर रोक लगी सकती है, उसकी अथॉरिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं बाई क्वो वारंटो। तो ये सिटीजन्स के राइट करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड इवन एज ए सिटीजन टू नो व्हाट इज योर राइट एंड व्हाट इज रेमेडीज फॉर दीज राइट्स। ओके, अब ये यहां तक राइट की बात आई, तो ये राइट हो गए सिटीजन के, लेकिन कुछ प्रिंसिपल हैं जो फॉलो करने हैं, यानी डायरेक्शंस हैं स्टेट के लिए कि उसको स्टेट कैसे चलानी है। ठीक है, ये तो आपके राइट हो गए, और ये समझ लीजिए स्टेट की ड्यूटी है, जिनको हम कहते हैं डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, जो क्या चीजें ध्यान में रखे स्टेट की पॉलिसीज बनेंगी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही, क्योंकि डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी से भी सिटीजन्स को राइट मिलते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या, ये जो है दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हाँ जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, ये कंटेन है इन पार्ट 4 आर्टिकल 37-51 के अंदर, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसीज दिए हुए। ओके, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो तीन बेसिक थिंग है, एक तो ये फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल to be applied by the state, to be applied while framing the rules, जब framing the law, जब भी law बनाना है तो इनको apply करना है। और तीसरी इसकी जो खास बात है, these can't be enforced by intervention of law,
ये फंडामेंटल है लेकिन फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री दीज लॉज आर फंडामेंटल टू द टू बी अप्लाइड बाय फ्रेमिंग द लॉज बट दीज कांट बी एनफोर्स बाय इंटरवेंशन ऑफ द लॉ. ये तीन चीजें अपने को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको समझनी है. तो इसमें से कुछ मैं आपको फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा. अगर आप ये आप कॉपी कीजिए फिर मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. फिर मैं आपको बताता हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. ओके ठीक है. तो सबसे पहले अब बताता हूं इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये आपको मैं बताता हूं. पहला इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है स्टेट की रेस्पॉन्सिबिल है सिक्योर सोशल ऑर्डर. टू सिक्योर सोशल ऑर्डर किस लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. तो स्टेट को क्या करना है? सामाजिक व्यवस्था बनानी है, ऐसी सोशल ऑर्डर बनाना है, ऐसा सामाजिक व्यवस्था उसको क्रिएट करनी है विच कैन प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके साथ ही उसको सर्टेन पॉलिसी बनानी है टू फॉलो सर्टेन पॉलिसीज. किस लिए? ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कि इक्वल पे मिल सके किसको? मैन एंड वुमेन को. इक्वल पे मिल सके मैन एंड वुमेन को. ये जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो है मेटीरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटीरियल रिसोर्सेज टू सर्व कॉमन गुड सबके फायदे के लिए कॉमन गुड्स. कॉमन गुड्स नहीं कॉमन गुड सबके फायदे के लिए सबके अच्छे के लिए रिसोर्सेज का ठीक है. साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रिवेंशन
prevention of concentration of economic wealth to the common detriment. Prevention of concentration, यानी इसको क्या काम करना है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कि मैन एंड वुमेन को इक्वल पे मिल सके। ये जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उस सबको मिल सके और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ टू द कॉमन डेट्रीमेंट। साथ ही साथ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, साथ ही साथ ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे कि इक्वल जस्टिस मिले और फ्री लीगल एड मिल सके आम पब्लिक को। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत्स बन सके, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सामाजिक व्यवस्था का जो कोड है, क्या क्या सिविल पूरी इंडिया के अंदर। साथ ही साथ इस तरह का काम करना है कि एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव किया जा सके, और साथ ही जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव्स, और सबसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये मोटे मोटे 8 मेन डायरेक्टिव हैं, मेन 1 सिक्योर सोशल ऑर्डर, फॉलो सर्टेन पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनवायरमेंटल लाइफ, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दीज आर द बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे, जिनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनेंगी सरकार की। तो सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को, इस तरह की पॉलिसी बनानी है, इस तरह के प्रोसीजर्स बनाने हैं। तो हमें क्या ध्यान, इस तरह की पॉलिसी बनाए जिससे सामाजिक व्यवस्था सिक्योर हो, सारे मानव कल्याण के लिए, भारत के जन जन कल्याण के लिए का प्रमोशन हो सके, ऐसा सामाजिक व्यवस्था इस्टेब्लिश करनी है। कुछ पॉलिसी ऐसी बनानी है जिससे मैन एंड वुमेन को इक्वल पे मिले, रिसोर्सेज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो कि जिससे जन कल्याण हो, कुछ लोगों के हाथ में ऐसे वेल्थ इकट्ठी ना हो जाए जिससे जन कल्याण प्रभावित होता हो, या जो अगेंस्ट जनरल गुड्स यानी आम जन कल्याण के विरोध में हो। गांव में पंचायतें बनानी है, विलेज पंचायत बनानी है, ये सरकार को इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से पॉलिसी बनानी है और सबको इक्वल जस्टिस मिल सके। और यदि कोई आदमी इस पोजीशन में नहीं है कि कानून की सहायता ना ले पाए,
तो उसको फ्री लीगल एड्स मिल सके, सारे चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। तो ऐसी पॉलिसी बनाइए कि सभी लोगों के किसी भी भाषा के हों उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सके, है ना। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन हो सके। ये नहीं कि केवल हमारा बी द पीपल ऑफ इंडिया तो हमें वाइल्ड लाइफ का ध्यान ही नहीं रखना है, ये भी हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कानून व्यवस्था और एग्जीक्यूटिव के अंदर सेपरेशन, जिससे कि कानून बनाने का काम एग्जीक्यूटिव का रहे लेकिन कानून इंप्लीमेंट और उसकी एनालिसिस का एंड जुडिशियल रिव्यू ये सब जुडिशियरी के हाथ में रहे, कि जुडिशियरी देख सके उन कानून का पालन हो रहा है नहीं हो रहा। साथ ही इस तरह की हमको पॉलिसी बनानी है जिससे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंश्योर हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट